हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कशन करेंगे 14 जून 2020। तो आप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है, एक बार आप बता दीजिए। सिकंदर कुमार, पल्लवी राज, शिवानी, गणवीर, नरेंद्र सिंधा एंड इमरान सर, ये सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम एक मिनट का वेट कर लेते हैं या 30 सेकेंड ओनली, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज संडे तो सभी लोग सो रहे होंगे आई थिंक, लेकिन फिर भी संडे हो या कोई भी दिन हो, यूपीएससी कैंडिडेट या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो रहते हैं, उन सभी के लिए कोई दिन नहीं रहता। देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा हमको काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। उसी टाइप से हमें पढ़ाई के लिए भी अभी से ही उस आदत में ढाल लेना अपने आप को। इसलिए हम चलते रहे हमेशा पढ़ाई को लेकर। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, अभी देखते हैं थोड़ा। तो आप सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार यस कर दीजिए। ओके, यस यस, राजपूत कादिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आशुतोष सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम डेट 14 जून 2020। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। और आप जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उनको आज क्लियरली समझ में आएगा टॉपिक्स, कि कैसे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, वो सभी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूज, डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज हम 14 जून 2020। तो हमारा पैटर्न है कि हम क्या करते हैं, पहले न्यूज़पेपर को ही हम डायरेक्टली अटैक करते हैं, न्यूज़पेपर पर ही, कि न्यूज़पेपर में कहां कहां से हमने न्यूज सेलेक्ट की, वहां से हम पहले क्या करते हैं, ताकि फर्स्ट हम ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर की कहां की न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि हमने न्यूज कौन से पेज से लिया, ताकि आसान हो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर को फॉलो करना। यस, दिनेश आलम जी, हंसा जाट, शिवानी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, पायल रानी जी, गुड मॉर्निंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज है, यहां पर देखना आप, फर्स्ट न्यूज कई दिनों से लगातार चली आ रही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और आज क्या मैप बनाया है नेपाल ने, जो वहां के पास हो गया है कहां से, संसद से, उसको हम देखेंगे। नेपाल पासेज अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप, इसको हम देखेंगे। अगर यहां पर हम देखें कंप्लीट यहां पर देखें, तो यहां से आपको अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा। और फिर हम इसको स्लाइड पर भी समझेंगे कि यहां पर क्या हुआ है कि लोअर हाउस, देखो सब जगह लोअर हाउस अपर हाउस होता है, जैसे हमारा यहां लोअर हाउस क्या है, लोकसभा, और अपर हाउस क्या है, राज्यसभा। उसी तरह लोअर हाउस ऑफ नेपाल पार्लियामेंट ऑन सैटरडे अनएनिमसली मींस विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट के वोटेड फॉर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल which guarantees legal status for new political map of country that includes part of the Indian territory in Uttarakhand. ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा issue था my dear friends. Network का थोड़ा problem आ रहा I think. Okay, लेकिन सही हो जाएगा, don't worry. Yes, good morning. मनीषा सिंह जी, गुड मॉर्निंग। रोहित कुमार, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर समझना, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया है, पहले एक बार हो चुका है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना कहा नेपाल का, और ये पहली बार दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, और वो भी किस लिए, इंडिया की
इंडिया की बाउंड्री को अपने में इंक्लूड करने के लिए, और कहां पर है वो बाउंड्री, वो बाउंड्री है उत्तराखंड की। अगर जो लोग मेरे साथ डेली जुड़े हुए हैं उनको आज समझ में आ रहा होगा कि कौन से उत्तराखंड के हमारे रीजन है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के, जिनको अपना बता रही है कौन, नेपाल सरकार। नेपाल सरकार हमारे लिए जो यहां इंपॉर्टेंट है, हमें यहां से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखना कि ही सेड जस्ट रिवाइजिंग सेंचुरीज ऑफ डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन। यहां पर इन्होंने जो कहा है ये अच्छी बात नहीं है कि ये जो हमारा डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन मीन्स जो हमारा एक तरह से शोषण किया जा रहा था उसको रिवर्स है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, जबकि ऐसा इंडिया नहीं कर रहा है। नॉट टेनेबल इंडिया, इंडिया ने क्या कहा है कि रेस्पॉन्डिंग टू डेवलपमेंट, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इट हैड नोटेड द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मीन्स वो नोट कर रही है कि क्या लेजिस्लेटिव प्रोसेस चल रही है कहां पर, नेपाल में। एंड आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ क्लेम्स इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट एंड एविडेंस एंड इज नॉट टेनेबल। यहां पर समझना, जो नेपाल सरकार कर रही है वो किसी फैक्ट, किसी हिस्टोरी के आधार पर, मिस हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर नहीं कर रही है, और हम इसे मान्यता नहीं देंगे। इट मीन्स जब भी एग्जाम में आएगा हम क्या लिखेंगे कि इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि ये जमीन किसकी थी, नेपाल की। और ऐसा ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, इसलिए आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं इंडिया की ही जमीन है। भावना नरवाल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये समझना क्या कहना चाह रहा है। अगेन यहां चलते हैं कि इट इज ऑल्सो वायलेट ऑफ अवर करंट अंडरस्टैंडिंग टू होल्ड टॉक ऑन अंडरस्टैंडिंग बाउंड्री इश्यूज। और ये हमारा जो बाउंड्री इश्यूज को लेकर हमारी बातचीत चल रही है उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट नेपाल क्लेम्स। देखो फिर यहां सीधी लाइन आई जो पहले हम बातें करते थे कि नेपाल क्लेम्स, नेपाल ने क्या दावा किया है, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर काली। ये अभी देखेंगे कि कहां पर है काली रिवर, विच फॉर्म्स द कंट्रीज वेस्टर्न बाउंड्री बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर। तो ये भी देखेंगे कि वेस्टर्न बॉर्डर कहां है। एंड एज पर द काठमांडू जे अंडरस्टैंडिंग मीन्स नेपाल के अनुसार द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिम्पी यदुरा, लिम्पी यदुरा इन द हायर हिमालय, लिम्पी यदुरा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चाहते हैं ये। एंड गिविंग इट एक्सेस टू ये ट्राइंगुलर शेप लैंड डिफाइंड बाय लिम्पी यदुरा, लिपू लेक एंड काला पानी। इंडिया अपोज द नोशन एंड सेज ओरिजिन ऑफ द रिवर इज मच फर्दर डाउन विच रिड्यूस नेपाल्स टेरिटोरियल डिमांड। और इंडिया का दावा है कि ऐसा नहीं है, जहां पर आप ओरिजिन बता रहे हो नेपाल, जहां ओरिजिन बताता है काली रिवर का, वहां पर नहीं है। क्लियर क्लियर आपको हो जाएगा। अभी हम मैप के साथ देखेंगे, पहले भी हमने मैप के साथ इसको देखा था क्या पूरा मामला था, अभी जस्ट एक बेस बना रहे हैं कहां से हम, न्यूज़पेपर से, कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं डायरेक्ट आपको कहां ले गया, मैप पर डायरेक्ट मैंने जो स्लाइड्स बनाई वहां पर आपको ले गया, तो आपको लगेगा कि ये क्या था, न्यूज में क्या था। लेकिन न्यूज से जो कोरिलेट है उसी को हम पूरा डिस्कशन करेंगे, यहां से हम बेस बना रहे हैं। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या वॉइस वोट हुआ, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पर नेपाली कांग्रेस में क्या हुआ, किसने इसका समर्थन किया, वो हमारे लिए पेज नंबर जो 6 पर चलेंगे तो वहां पर पूरा यही है कि किस पार्टी ने इसका समर्थन किया, किस पार्टी ने कितने वोट दिए, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखना, आप यहां पर देखना, आपको सभी को मैप एकदम क्लियर हो रहा होगा अभी। यहां पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा, ये जो एरिया है यहां पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड हमारा पूरा राज्य है उसका डिस्ट्रिक्ट है यहां पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पहले ये जो बाउंड्री थी ये इंडिया की बाउंड्री में शामिल था, इंडिया की बाउंड्री में। अब आप देखना यहां पर, अगर ओरिजिनल वर्जन देखें यहां पर नेपाल का, अगर नेपाल का ओरिजिनल मैप देखें तो ये ओरिजिनल मैप है यहां पर नेपाल का, ये ओरिजिनल मैप है यहां पर। अभी यहां पर ये जो एरिया था ये यहां पर इसके मैप में नहीं दिखाया गया था, ये जो ट्राइंगुलर एरिया है जहां पर, यहां पर लिपू लेक है मीन्स लिम्पी अधूरा है, यहां पर काला पानी रीजन है और यहां पर लिपू लेक दर्रा है। इन तीनों को अपने मैप में अब बता रहा है कौन, नेपाल। और नेपाल ने नया वर्जन जारी किया है अपने मैप का, आर्टिफिशियल रूप से अपनी बाउंड्री को विस्तार दे रहा है, जैसे अंग्रेजों की नीति थी उसी नीति को फॉलो करके विदाउट टेंशन लिए कालापानी
जो कालापानी रीजन है ये पूरा, यहां पर कालापानी रीजन, ये लिम्पी अधूरा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है कालापानी का, और यहां पर लिपुलेख ये वाला रीजन, इन तीन रीजन को अपने मैप में दिखा दिया किसने, नेपाल ने। और यही कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम की जड़ हो सकती है। और यहां पर है काली रिवर को यहां से बहता हुआ दिखाया, यहां से बहता हुआ, तो ये डिस्प्यूट का मामला हो सकता है दोनों देशों के बीच में। तो अब देखेंगे हम। यस अशोक कुमार चौधरी जी, गुड मॉर्निंग सर, वीडियो रुक रुक कर आ रहा है आपका। ओके, अभी नहीं आ रहा होगा। ओके, आशुतोष सिंह, ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। एक बार अपने नेटवर्क को भी आप चेक कीजिए, यहां से नेटवर्क क्लियर आ रहा है, अभी यहां से नेटवर्क क्लियर आ रहा है। कई बार आपका नेटवर्क वहां से सही नहीं होने के कारण वीडियो रुकता है, फिर भी देखना आप, फिर भी इसको सोल्व करेंगे। यहां पर मेरा पूरा वाईफाई जो केबल सिस्टम है वो लगा हुआ है, तो स्पीड काफी अच्छी है, यहां से अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सोल्व करेंगे, डोंट वरी। अब यहां चलते हैं। हमने क्या किया, हमने जो पूरा ये आर्टिकल था, पूरे आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कशन किया कि क्या पूरा मामला है। नेपाल पासेज अमेंडमेंट और न्यू मैप, ये पूरा मामला हमने देख लिया यहां तक। ये मैप भी हमने देखा कि क्या मैप में चल रहा है। अब हम मेन मैप में चलते हैं। यहां पर ये मैप हमने देखा कि लिम्पी अधूरा कहां है, लिपुलेख, यहां पर ये मैप गायब है, लेकिन यहां पर ये नया मैप जोड़ दिया किसने, अपने नई बाउंड्रीज जोड़ दी किसने, नेपाल ने। नेपाल का नया वर्जन आ गया है, तो नेपाल ने ऐसा किया है, इसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम समझते हैं पूरी कहानी, एक तरह से क्या हुआ है, एक तरह से समझना इसको। ओके, एक तरफ से समझना इसको, ये क्या है पूरा मामला। यहां पर समझना, ये कटप्पा एंड ये बाहुबली मींस, यहां पर ये क्या है, इंडिया एंड ये नेपाल, और नेपाल ने पीछे से छुरा घूम दिया किसके, इंडिया के। तो यही काम किया है नेपाल ने हाल ही में नक्शा जारी करके। चाहे इंडियन गवर्नमेंट इसका तीव्र विरोध ना कर रही हो, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आ रहा हो, सिचुएशन और ज्यादा ना बिगड़े, लेकिन अंदर अंदर जो सोच है, अंदर अंदर जो फीलिंग है, अंदर अंदर वो सेम ऐसे ही है कि यहां पर कैसा काम किया है, पीछे से छुरा घोंपने का किसने, नेपाल ने इंडिया के साथ। अब चलते हैं हम, पूरी कहानी क्या है, जो मेन कहानी हम लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार हम पढ़ रहे थे, उसमें यही है कि हमने कर क्या दिया ऐसा कि चाइना जो नेपाल है वो अचानक चिढ़ गया। हमने क्या किया कि पहले हम जो मानसरोवर यात्रा जाते थे, माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम मानसरोवर यात्रा जाते थे, यहां पर कैलाश मानसरोवर, वो कहां से जाते थे, हम सिक्किम में, सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, नाथुला पास, यहां से होकर हम जाते थे, यहां से होते हुए, और पूरा मैक्सिमम पार्ट कहां पड़ता था हमारा, तिब्बत में। लगातार 4-5 दिन से हम लगातार इस पर बातें कर रहे हैं, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक अब आपके पास अच्छे से आ रहा होगा क्लियरिटी। कोशिश यही रहती है कि विदाउट एनी टेंशन के आपके पास पहुंचे, उसके बावजूद अगर ये प्रॉब्लम आती है नेट की, तो आज नेट वाले को दोबारा थोड़ा सा बोला जाएगा प्रेम से कि आपका नेट का आप चार्जेस कर रहे हो, उसके बावजूद ही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सोल्व किया जाए। ओके, नीलम कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर समझना, ये हमने किया था कि नाथुला दर्रे से निकलकर हम डायरेक्टली चले जाएं, और इसी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, राजनाथ सिंह साहब ने यहां पर क्या किया, ये मैप, यहां पर धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का, वहां से होते हुए हमने लगभग पास से होते हुए हमने जो कालापानी रीजन है, कालापानी रीजन जो ये बता रखा था, अभी हमने मैप में देखा ये कालापानी रीजन जहां लिम्पी अधूरा, यहां पर ये जो कालापानी रीजन है पूरा, और ये क्या है, लिपुलेख। तो लिपुलेख दर्रे से होते हुए, कालापानी रीजन से होते हुए हमने कहां, कैलाश मानसरोवर पहुंच गए, और इसी को लेकर नेपाल है वो चिढ़ गया कि आपने कालापानी रीजन से सड़क कैसे बना ली, ये तो हमारा पार्ट है कालापानी रीजन, क्योंकि लिम्पी अधूरा ये ऊपर वाला पार्ट, ये कालापानी रीजन पूरा, और ये लिपुलेख पास ये मेरा है, और इसी को लेकर एक मैप जारी कर दिया। तो पूरा डिस्प्यूट क्या था, यहां पर नेपाल, यहां पर इंडिया, एंड यहां पर क्या है, ये चाइना। समझना, नेपाल का जो वेस्टर्न, अगर यहां नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्टर्न पार्ट में यहां पर क्या है, धारचूला डिस्ट्रिक्ट किसका, नेपाल का। नेपाल कहता है, हम कहते हैं कि यहां पर एक ट्रीटी हुई थी, सुगोली ट्रीटी,
1816 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि जो काली रिवर है उसका इधर वाला पार्ट इंडिया और इधर वाला पार्ट नेपाल, लेकिन हम काली रिवर का जो ओरिजिन मानते हैं वो यहां से मानते हैं, जबकि नेपाल कहता है कि काली रिवर का ओरिजिन यहां से है। अगर काली रिवर का ओरिजिन यहां से माने उसी को ये मानता है, और इधर वाला पूरा पार्ट क्या बताता है, खुद का, जबकि हम यहां से मानते हैं तो ये पूरा पार्ट किसका होगा, इंडिया का, और यही पार्ट क्या है, डिस्प्यूट का पार्ट हो गया, और ये पार्ट क्या है, कालापानी रिवर, क्योंकि यहां से महाकाली या इसे काली रिवर भी बोलते हैं, ये गुजरती है। तो इस वाली बाउंड्री को तो अपना मानता है कौन, नेपाल, की ये बाउंड्री तो सही है, लेकिन यहां ओरिजिन को लेकर प्रॉब्लम है कि काली रिवर का ओरिजिन यहां से माने ये मान रहा है नेपाल, जबकि हम यहां लिपुलेख पास से मानते हैं, क्योंकि इसकी कई सहायक नदियां, एक सहायक नदी यहां से निकली हुई है, और सभी सहायक नदियां बहते हुए यहां से पूरा एक नदी बनाती है। तो इंडिया यहां से मानता है, नेपाल यहां से मानता है, यहीं से लेकर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, यहीं से लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहले का जो मैप था नेपाल का वो केवल यहां तक था, यहां तक। अब नेपाल ने लिम्पी अधूरा, लिपुलेख पास, और यहां पर जो कालापानी रीजन, ये पूरा इसको, नदी को, काली रिवर को यहां दिखा दिया, इन सभी को लेकर अब इंडिया के ऊपर क्या कर रहा है, अपना दबाव डाल रहा है मनोवैज्ञानिक, चाइना के कहीं ना कहीं फेवर में जा रहा है, और कटप्पा और बाहुबली की कहानी दोहरा रहा है, पीछे से छुरा घोंपने वाली। यस राजीव गुरुजी, गिरिजी, गुड मॉर्निंग। तो ये समझना, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने लगभग 10 दिन से लगातार ये टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और आज सेम यही मैप, ये मैप द हिंदू में आज पहली बार प्रकाशित हुआ है, पहले ये मैप नहीं आया था, पहले ये मैप ऐसा नहीं था, इसीलिए आज आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि क्या पूरा मामला है। देखो लिम्पी अधूरा यहां पर अपने मैप में दिखा दिया, यहां से काली रिवर को कहां से बहते हुए दिखा रहा है, यहां पास से, जो हमने दिखाया था कि हम यहां से बहते हुए मानते हैं, जबकि नेपाल यहां से मानता है। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि क्या पूरा मामला है, और कालापानी रीजन, ये पूरा रीजन कालापानी रीजन है, और लिपुलेख पास, ये दर्रा, इन तीनों को अपने मैप में बता दिया, जबकि यहां पर कोई लेना देना ही नहीं था पहले वाले मैप में। तो ये नया मैप वहां की संसद के द्वारा जारी किया जा रहा है, तो ये पूरी कहानी थी, कहां की, इंडिया और नेपाल का ये जो नया डिस्प्यूट है। लेकिन अभी ने गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी तरह टाइप का कोई ज्यादा कमेंट नहीं किया है, केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो कमेंट किया है कि इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है जिनके आधार पर नेपाल ये क्लेम कर सके कि ये मेरा एरिया है, प्रेजेंट में एरिया हमारे पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एरिया है, इसीलिए हम यही कहेंगे कि इंडिया का क्या है, बाउंड्री इंडिया का एरिया है, इसे विदाउट फैक्ट के आप कोई भी देश ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फेवर करेंगे हम गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यस नजीम जी, गुड मॉर्निंग। तो यहां ये पूरी कहानी थी किसकी, इंडिया एंड नेपाल जो रिलेशनशिप्स है उनके बारे में। ये पूरी, अगर इसके बारे में और स्टोरी देखें हम, अगर इसके बारे में पूरा और रीजन देखें, तो डियर फ्रेंड्स, हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों किया नेपाल ने, नेपाल का जो राजनीति है, नेपाल में राजनीति है, तो वहां की राजनीति और इंडिया की राजनीति, नेपाल की राजनीति अभी किस पर टकी हुई है, वहां पर अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल है उसकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और वो कहीं ना कहीं जब तक वो इंडिया के विरोधी काम नहीं करेगी तब तक उसका क्या है, अस्तित्व नहीं रहेगा। जब केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट की बनी थी, केपी शर्मा जो ओली है इनकी जब गवर्नमेंट बनी थी, तब गवर्नमेंट बनने से पहले भी इन्होंने इंडिया के विरुद्ध स्टेटमेंट्स दिए थे, इंडिया के विरुद्ध इन्होंने कहा था कि जो टेरिटरीज है इंडिया की पास हमारी, उनको हम छीनेंगे। इसी को लेकर वहां पर एक ऐसे धड़े मिस ऐसे लोगों की सेंटिमेंट्स को उकसाया गया ताकि इस पार्टी को वोट दिया जाए। मींस कुल मिलाकर जो पूरी कहानी है, कहां पर नेपाल में ये राजनीतिक का पूरा मामला है, इसलिए हम एक स्टेटमेंट एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए गवर्नमेंट्स
गवर्नमेंट्स, जितना हमारा हिस्टोरिकल सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक ये सभी संबंध है, उनको बिगाड़े नहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए और बातचीत के द्वारा इसका सॉल्यूशन करें। तो ये एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। अतुल जी गुड मॉर्निंग, सनत मिश्रा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझने वाला था, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि काफी बार हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। अब चलते हैं अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा आज की न्यूज में, यहां पर देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा आज। टॉपिक्स मैं पहले ही पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहां सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां केवल एक फॉर्मेलिटी होती है आपको दिखाने के लिए कि हां ये टॉपिक आपके सामने लिया जा रहा है, बाकी टॉपिक्स मैं पहले ही पढ़ के रख देता हूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्टेज ना हो। अब चलते हैं पेज नंबर फर्स्ट पर अगर देखें तो यहां पर हमारे लाइक अभी कोई टॉपिक नहीं है। अगेन पेज नंबर सेकंड, ये पूरा दिल्ली से संबंधित है और दिल्ली के संबंध में ये याद रखना है कि वहां पर 2000 केस से ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के एक साथ आए हैं। अगर यहां पर आप देखोगे कि ओवर 2000 कोरोना वायरस केसेस इन सेकेंड डे, मीन्स लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा केसेज आए हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने नेट को आप थोड़ा सही कीजिए, वीडियो रुक रुक के आने का एक रीजन ये रहता है कि आपका नेट भी थोड़ा स्लो हो सकता है। इसलिए तो यहां पर समझना, नेपाल पासेज अमेंडमेंट ये हो गया। ओके, नेट का प्रॉब्लम है। ओके, तो यहां पर समझना, ये ओवर 2000 कोविड केसेज इन सेकेंड डे, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना। अभी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में और कम्युनिटी फेज में पहुंच गया है कोरोना वायरस। पेज नंबर थ्री में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया कि 2000 केसेज लगातार दूसरे दिन भी आए हैं और ये भी कब, जब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने चालाकी की है कि अपने 7000 और 8000 जो टेस्टिंग करती थी डेली, उसकी जगह उसने केवल 5000 टेस्टिंग की है। अगर टेस्टिंग को 10000 या 20000 कर दे पूरे इंडिया में, मेरा एक आपसे एक डोंट कमेंट मोर प्लीज। ओके, यहां पर समझना, यहां पर क्या मामला है पूरा, अगर पूरे इंडिया में, माय डियर फ्रेंड्स इसको समझना, अगर पूरे इंडिया में अगर 25 अरब, जितने 2.5 करोड़ जनसंख्या है, मीन 25 अरब, जो हमारी 25 अरब जनसंख्या 1.25, ये पूरी जो जनसंख्या, अगर इस सभी का टेस्टिंग कर लिया जाए तो आप सोच नहीं सकते उतने मात्रा में केसेज एक साथ दर्ज होंगे। ये टेस्टिंग हो ही नहीं रही। आप समझना, अमेरिका में क्यों ज्यादा इतने केसेज एक साथ आए, अमेरिका में क्यों ज्यादा इतने साथ एक साथ केसेज दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां लगभग सभी लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। अगर इंडिया के भी सभी लोगों की टेस्टिंग करवा दी जाए तो बहुत ज्यादा कई लाखों में संख्या आ जाएगी आज ही के दिन। तो एक समझना आप, यहां पर कुछ ना कुछ ये मामला है। ओके, हमारा नेट का प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। डोंट वरी, अभी तो नहीं आ रहा होगा, यहां तो मेरे पास क्लियरली चल रहा है। यहां पर मैं भी देखता रहता हूं, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। यहां पर मैं देखता रहता हूं अपने यहां पर। यस, डियर फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं। डोंट वरी। यस, अभी आपके पास नहीं आएगी ज्यादा प्रॉब्लम,
लेकिन जो एक स्मूथली चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। इस प्रॉब्लम को भी आज सोल्व करेंगे, डोंट वरी। और नेट का स्पीड बढ़वा देंगे 100 Mbps, 50 Mbps तक करवाएंगे, ताकि नेट का प्रॉब्लम आए ही नहीं। आज ही करवा देंगे, नेट की स्पीड बढ़वा देंगे, डोंट वरी। अभी जो स्पीड है नेट का यहां पर 35 Mbps की कर रखी है मैंने, 35 Mbps केबल सिस्टम। एंड हमारे लगभग जो जो ऑनलाइन वीडियोस जाते हैं आपके पास, जो ऑनलाइन आते हैं, उसमें केवल 5 Mbps की अगर स्पीड रही तो भी काम चल जाता है, तो भी काम चल जाता है। उसके बावजूद मैंने ले रखी है ज्यादा स्पीड, ताकि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो अगेन इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, डोंट वरी। अभी क्लियर है, एक बार यस कर दीजिए आप लोग, यस कर दीजिए एक बार। अभी ठीक है, कैरी ऑन सर, ओके। तो यहां पर समझना, यहां पर पेज नंबर 3, यहां पर हमारे लिए कोई ज्यादा न्यूज नहीं है, केवल इतना सा है कि कैसे गवर्नमेंट्स खेल चल रही है अपने यहां का, ओके। तो यहां पर समझना, जो पूरा मामला है वो यहां का है। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पर नॉर्थ ईस्ट, यहां से कोई ऐसी न्यूज नहीं जिसका डिस्कशन करें। पेज नंबर 5 पर भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 5 हमारे लिए किसी काम का नहीं है। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पर हमने नेपाल अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप पास, यहां पर पूरा राजनीति वाला पूरा स्टेटमेंट से, तो हमारे लिए काम के नहीं है, हमारे लिए काम के नहीं है। हमारे लिए जो एक काम का है, एनजीटी गिव्स केरला 1 month टू रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन स्टेप्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गिव्स केरला 1 month टू रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन स्टेप्स, यस। तो यहां समझना, कॉल्स फॉर स्टेट्स रिपोर्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लान्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि आए दिन ये जो फायर की प्रॉब्लम्स है, फायर जो वाइल्ड फायर है या फिर जितना भी फॉरेस्ट फायर है वो तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर हम आज एक पूरी न्यूज का डिस्कशन करेंगे। यहां पर ये न्यूज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां समझना पूरा क्या है मामला। ये जो फोटो दिखाई गई है, कहां की दिखाई गई है, जो पिक्चर है, ये है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसका पार्ट है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे कि यहां पर तेजी से क्या हो रहा है, आग लगी हुई है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां पर समझना क्या है पूरा मामला, कि एनजीटी 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। एनजीटी ने हाल ही में केरला को कहा है कि आपने फॉरेस्ट फायर को लेकर, आपके यहां फॉरेस्ट फायर में जंगलों में जो आग लग रही है उसको लेकर आपने क्या स्टेप्स लिए, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमने फॉरेस्ट फायर को बचाने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर बना रखा है, क्या आपने इसको इंप्लीमेंट किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने इसको इंप्लीमेंट किया है। इसी को लेकर 1 month का टाइम दिया है, किसको, केरला गवर्नमेंट को। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों ये आर्टिकल लिया है, कि आए दिन कभी कभी बांदीपुर, कभी यहां कवाल, कभी अमराबाद, और कई बार MP, ये जितने भी जंगल हैं फॉरेस्ट, यहां पर जो फायर की घटनाएं, फॉरेस्ट फायर वो तेजी से बढ़ रही है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंडिया स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, जो कौन निकालता है, मीन्स हमारे यहां जो जंगल है उनकी क्या स्टेटस है, कितने मात्रा में जंगल है, कितने एरिया में है, इसको निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक संगठन है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई 2019 में, जो 2019 में, ये रिपोर्ट हर 2 साल में निकाली जाती है। इसमें भी कहा गया कि हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें,
अगर हम इंडिया की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें कहा गया, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब 2 साल ये लगातार चलती रहेगी, इंडिया स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI फॉरेस्ट सर्वे इंडिया, इसके अनुसार कहा गया कि अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में लगभग ये जो मध्य एशिया, मिडिल इंडिया एंड ये जो पूर्वोत्तर भारत है, यहां पर जंगल पूरे, अगर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में लगभग 21% जो जंगल है वो फायर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उसमें से भी 21% में मिडिल इंडिया एंड जो पूर्वोत्तर भारत है यहां के जंगल फायर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। अब यहां पर कहानी समझना, क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि हो क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जंगलों की आग क्यों बढ़ रही है इसको समझना। यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कभी भी एक ऐसा जवाब दोगे कि सामने वाला सोचने के लिए मजबूर होगा कि किस लेवल का इंटेलेक्चुअल इस बच्चे में है, और आपको कहीं ना कहीं यहां से मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यहां समझना डियर फ्रेंड्स, हो क्या रहा है CO2 कंसंट्रेशन में CO2 की मात्रा, हमने एक दिन पहले भी पढ़ा था क्लाइमेट चेंज पर कि यहां पर एनवायरमेंट है वहां पर क्या था कि पहले 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती थी, 0.03% मींस 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मींस 16 मींस अगर 10 लाख पार्टिकल है हवा के तो उसमें 300 पार्टिकल किसके होते थे, CO2 के। लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पेड़ों की तेजी से कटाई के कारण, और जितना भी वेस्टेज मटेरियल है, चाहे हम जला रहे हैं जो क्रॉप रेजिड्यूज है जिसको पराली बोलते हैं, चाहे वो हमारा पंजाब वाला रीजन हो, चाहे वेस्टर्न यूपी वाला रीजन हो, चाहे राजस्थान रीजन हो, चाहे हरियाणा रीजन हो, उसके कारण तेजी से हमारे एनवायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, इंडिया की समस्या ही नहीं है। अब यहां पर समझना कि क्या हो रहा है CO2 बढ़ने के कारण, CO2 पहले कितना था 300, अब ये लगभग बढ़ता जा रहा है, 400 से ऊपर हो गया है, 407 के आसपास हमने देखा था कि 407 ppm ये हो गया है, 407 के आसपास ये हो गया है। तो यहां पर 707 हो गया है। सनत मिश्रा जी, माय काइंडली रिक्वेस्ट, डोंट मैसेज अननेसेसरी मैसेज आप ना करें, प्लीज कंसंट्रेट। मैं क्या समझा रहा हूं, क्योंकि मैसेज में अगर ध्यान रहेगा तो हाउ कैन यू कंसंट्रेट, सो प्लीज डोंट मैसेज वही करें, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूं मैसेज को, मेरा भी ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होता है, मैं चाहता हूं कि मैसेज वही करें जो काम के रहे, ताकि मैं डायरेक्टली उसको पिन पॉइंट कर सकूं। आप फालतू के मैसेज करोगे तो मैं उस मैसेज को सेलेक्ट करने में मेरा टाइम जा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, कोऑपरेशन करें माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर समझना, यहां पर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की 2 स्पीसीज रहती है, एक C3 स्पीसीज, मींस जैसे हमारा वीट, गेहूं हमारा क्या है, वीट, बारले, इसके अलावा जितने भी कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वाले जितने प्लांट्स हैं, ये सभी प्लांट्स जो रहते हैं वो C3 स्पीसीज में आते हैं, C3 स्पीसीज मींस इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता किसका, शुरू में प्रभाव पड़ता है, शुरू में जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो ये भी अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में कितनी भी ज्यादा CO2 बढ़ाएं, एक फिक्स इनकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन शुरू में आप देखिए, यहां पर आप देखिए 400 है, उससे पहले अगर 300 के बाद जितना भी बढ़ा है तो यार तेजी से इन्होंने अपनी ग्रोथ को बढ़ाई है, अगर C4 प्लांट की बात करें, जैसे मेज, कुछ प्लांट C4 होते हैं जो उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अच्छा बिहेव करते हैं, मींस उत्पादन ज्यादा करते हैं। यहां समझना, प्लांट्स की 2 स्पीसीज रहती है, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स CO2 की अधिक मात्रा पर ज्यादा उत्पादन करते हैं, जबकि C3 प्लांट्स CO2 की कम मात्रा पर भी काम चला लेते हैं। तो CO2 बढ़ने का फायदा किसको हो रहा है ज्यादा, C4 प्लांट्स को, जैसे गन्ना, मेज और कई प्लांट्स भी हैं, लेकिन CO2 बढ़ने का फायदा दोनों को हो रहा है। कब तक जब तक 400 ppm ना बढ़ जाए, तो 300 से 400 के बीच में जो 100 ppm बढ़ा है उसका फायदा दोनों प्लांट्स को मिला है, चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो। लेकिन
C4 प्लांट ज्यादा तेजी से ग्रोथ किए हैं। अब यहां समझना पूरा स्टोरी, रेट ऑफ CO2 अपटेक। अब यहां पूरी स्टोरी समझना कि यहां पर क्या हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन एक तरफ बढ़ रहा है और एक तरफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। अब यहां पर जैसे जैसे CO2 बढ़ा, फोटोसिंथेसिस तेजी से बढ़ा, लेकिन बाद में क्या हो गया, अब बाद में फिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी तो बढ़ ही रहा है तेजी से, अभी तो बढ़ ही रहा है तेजी से। अब यहां समझना पूरा स्टोरी, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्या मैं आपको एक जो मेन प्रॉब्लम है वो समझा रहा हूं, क्या है कि यहां समझना। डियर फ्रेंड्स क्या होता था पहले कि कोई प्लांट है, यहां पर कोई प्लांट है, ये जमीन है और जमीन से नीचे इसकी जड़ें रहती थी। यहां पर क्या था, वाटर लेवल था। क्या था, वाटर लेवल। समझना इसको कॉन्सेप्ट को। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट की क्या है, यहां तक क्या है वाटर लेवल, मीन्स यहां पानी है, यहां पर यह क्या लेता है, यहां चारों तरफ क्या है, CO2। तो CO2 लगभग 300 ppm था, तो इस CO2 को लेकर तेजी से ग्रोथ करते थे प्लांट। उसमें क्या होता था, इनको पानी भी चाहिए थी और इनकी लीव्स जो थी वो छोटी छोटी रहती थी, पत्तियां जो है उनकी साइज क्या रहती थी, छोटी, क्योंकि अभी CO2 की जो मात्रा है वो क्या है, कम है एनवायरमेंट में, मीन्स जितनी उनको चाहिए प्लांट्स को उतनी ही है। कौन सा क्लास का चल रहा है भाई, करंट क्लास चल रही है, द हिंदू न्यूज़पेपर। तो यहां समझना ये क्या है पूरा मामला, क्यों बार बार जंगलों में आग लग रही है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर जो लीव्स है ये पहले छोटी थी और वाटर लेवल भी ठीक था। अब प्लांट्स में क्या कैपेसिटी होती है कि जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जाता है तो अपनी जो जड़ें रहती है उनको भी नीचे की तरफ लेके जाते हैं, और जैसे अगर वाटर लेवल 100 साल में नीचे जा रहा है तो 100 साल के अंदर जड़ें भी प्लांट उतनी तेजी से बढ़ा लेते थे, तो 100 साल का टाइम पीरियड लगता था दोनों में। लेकिन अब क्या हो रहा है, वाटर लेवल इतने ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है कि प्लांट अपनी ग्रोथ जो है जड़ों की उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। अब समझना यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि जो प्लांट्स हैं, यहां पर CO2 की मात्रा बढ़ गई एनवायरमेंट में, तो प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स को खाने के लिए बहुत ज्यादा मिल गया, CO2 उनके भोजन के रूप में आती है काम, तो CO2 जब ज्यादा मिल गई तो इन्होंने अपनी लीव की साइज क्या बढ़ा ली तेजी से। तो जब लीव की साइज बढ़ा ली तो CO2 की मात्रा और ज्यादा यहां अब्जॉर्ब होगी और ये भोजन ज्यादा मात्रा में बनाएंगे, भोजन ज्यादा मात्रा में बनाएंगे, तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O, और इससे बनाते हैं वो C6H12O6 प्लस 6O2, मींस ऑक्सीजन निकालते हैं, मींस इनको पानी भी चाहिए और इनको CO2 भी चाहिए, CO2 काफी मात्रा में मिल रही है लेकिन वाटर लेवल क्या हो गया, नीचे चला गया। मैंने फिर बोला था कि प्लांट्स में कैपेसिटी है कि अपनी जड़ों को वो तेजी से नीचे बढ़ाकर वाटर लेवल तक पहुंच जाए, लेकिन ये होता था 100 साल में प्लांट अपनी जड़ों को इतना बढ़ाते थे जितना 100 साल में वाटर लेवल नीचे जाता था, लेकिन अभी 10 साल में वाटर लेवल इतना चला जाता है जो पहले 100 साल में जाता था, और 100 साल में जितनी जड़ें बढ़ती थी अब 10 साल में प्लांट्स के कैसे बढ़ पाएगी, तो इसलिए जड़ें ऊपर ही रह गई और ये वाटर लेवल चला गया नीचे। अब प्लांट्स को पानी तो उतना नहीं मिल रहा लेकिन पत्तियां बढ़ गई। अब प्लांट्स बोलेंगे कि पानी लाओ, लेकिन पानी कहां पर है, और धीरे धीरे प्लांट्स अपनी पत्तियों को झड़ाना कर दिए। अब बारिश के समय तो ठीक है, लेकिन गर्मियों के समय अपनी जो पत्तियां जितनी गिरनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा ये पत्तियां गिर रही है, और क्या होता है इसके कारण, जंगल में चारों तरफ आप देखोगे गर्मियों में तो जंगल में पहले जितनी ज्यादा पत्तियां गिराते थे प्लांट, जितनी पत्तियां गिराते थे उससे कहीं ज्यादा पत्तियां चारों तरफ जंगल में फैली हुई रहती है, और एक बार किसी कारण। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझना, इंडिया में 90% जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2029, उसके अनुसार 90% जो आगजनी की घटनाएं होती है फॉरेस्ट में वो मानव जनित है। क्या है, मानव जनित मीन्स मानव के द्वारा फैलाई जा रही है। तो ये जो पत्ते यहां पर फैले हुए हैं, अगर एक जगह कोई आग थोड़ी सी भी लग गई है तो पूरे जंगल में फैल रही है, और यही कहानी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो, चाहे इंडिया हो, ये पूरे इंडिया में, और चाहे आपको देखा होगा अमेजन के जंगल हो, पूरे जल रहे हैं। तो ये क्यों अचानक आग की घटनाएं हो रही है, CO2 का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, वाटर लेवल का नीचे जाना, ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने आगे आपको बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये एक साइंटिफिक आपके लिए, साइंटिफिक जो एक अप्रोच थी वो मैंने बताया, साइंटिफिक आपको मैंने बताया।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो ये थोड़ा सा आपको साइंटिफिक वे में न्यूज क्लियर हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स, साइंटिफिक वे में कि क्या रीजन है पूरे वर्ल्ड में ये जो आगजनी की घटनाएं है, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं ये बढ़ रही है, व्हाई। तो ये थोड़ा सा समझना। दौलतबाग ओल्डी रोड अभी आएगा, डोंट वरी। वैसे मैंने पहले कई बार बता दिया, आप अगर न्यूज में लगातार बने हो आपको समझ में आ जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। चलिए पेज नंबर सेवन, यहां पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करेंगे, केवल एक न्यूज हम ले सकते हैं, वो है जल जीवन मिशन। ये क्या है इसके बारे में चलते हैं डायरेक्टली। यहां पर क्या कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि रिटर्निंग लेबर मे बी डिप्लॉयड फॉर जल जीवन मिशन। मीन्स जो लॉकडाउन हुआ था, और यहां समझना ये क्या है जल जीवन मिशन और प्रोवाइडिंग पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड टिल 2024। तो यहां पर पूरा समझना ये क्या कहना चाह रहा है यहां पर। और इसमें एक और पॉइंट देखेंगे कि यहां पर जितना भी बजट का एलोकेशन हुआ है बजटरी एलोकेशन, नॉट टू फॉरगेट दैट 50% ऑफ मीन्स लगभग 60,000 करोड़, जो 50% इसका अलोकेट बाय 15th फाइनेंस कमीशन टू रूरल बॉडीज इज टाइटेड टू ग्रांट फॉर वाटर बॉडीज एंड सैनिटेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब यहां समझना पूरा कहानी क्या है। ये जल जीवन मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर एक क्वेश्चन पूछ सकती है जल जीवन मिशन, क्योंकि प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि गांवों में पीने का पानी है नल का, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का। इट्स सेकंड अवतार, इसको छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम है क्या, जल जीवन मिशन। किस लिए? प्रोवाइडिंग पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स जो नल का पानी है वो सभी ऑल रूरल हाउसहोल्ड, जो जितने भी ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं उन सभी को 2024 तक हम पाइप्ड मीन्स नल का पानी पहुंचाएंगे, उसी के लिए ये चालू किया गया है। और इसमें हो क्या रहा है कि जितने लॉकडाउन के बाद जो लेबर्स थे वो अपने गांव में लौट गए, तो अब क्या किया जाएगा, उन्हें जल जीवन जो मिशन है उसके तहत काम करवाया जाएगा, उसके तहत उनको काम दिया जाएगा। साथ में जो मनरेगा है, मनरेगा में भी जो काम करते हैं लोग उनको जल जीवन मिशन में लगाया जा रहा है। तो अब कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत जो महात्मा गांधी नेशनल जो रूरल गारंटी योजना है उसके तहत जल जीवन मिशन में काम कर पाएगा। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल एक पॉइंट है कि जल जीवन मिशन रियली में है क्या। तो डायरेक्टली फर्स्ट जो स्टेटमेंट बनेगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री है जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया पैसा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने डायरेक्टली कहां से उठाया, पीआईबी से। हमारे लिए स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन ए फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लास्ट ईयर aims to provide all rural household with tap water supply in adequate quantity and of prescribed quantity on regular and long term basis. States are implementing this ambitious program to accomplish task by 2024. तो यहां समझना, यहां 2024 तक सभी जो ग्रामीण इलाके हैं उनके घरों में नल का पानी पहुंचाने के लिए क्या लाया गया था, जल जीवन मिशन। तो इसको सिंपली आप समझ जाना। तो ये समझ जाना। यहां पर अगेन हम देख लेते क्या पूरा मामला है जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन क्या करेगा, सप्लाई करेगा 55 लीटर पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउसहोल्ड, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी ग्रामीण घर हैं, किसके द्वारा, थ्रू फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, मीन्स नल के पानी के द्वारा 2024 तक।
2024 तक। पीआईबी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं, कई बार ब्यूरो भी कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट के डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट डेली एक डॉक्यूमेंट निकालती है, गवर्नमेंट खुद डॉक्यूमेंट निकालती है, उसको हम कहते हैं पीआईबी। और इस डॉक्यूमेंट में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, मीन्स 100% क्या रहता है एक्यूरेट। यहां पर 100% क्या रहता है एक्यूरेट। अगर इससे आप न्यूज पढ़ते हो पीआईबी से, तो उस न्यूज में आपको कोई भी गलती नहीं मिलेगी, उसकी न्यूज को आप ऑथेंटिक मान सकते हो। अगर जनरली हम क्या करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई गलत हो, लेकिन उसी संबंधित न्यूज को अगर आप पीआईबी से एक बार पढ़ लिए और पीआईबी में क्या लिखा हुआ है, अगर आपने वो देख लिया तो आप इजीली कर सकते हो। आप डायरेक्टली जाकर पीआईबी न्यूज जाकर देख सकते हो। आज यहां से आपको समझ में आएगा कि पीआईबी क्या होता है। डेली गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो पीआईबी पर निकलते हैं। तो यहां समझना, यहां पर क्या है वो, इसके द्वारा क्रिएशन किया जाएगा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जाएगा लोकल, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्ट में जो बारिश का पानी है उसको रोका जाएगा, ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज किया जाएगा, और मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, जो घरों से पानी निकलता है वेस्ट वाटर, उसको रीयूज किया जाएगा। ये सभी काम इसमें इंक्लूड होंगे। साथ में ही यहां पर पूरा कम्युनिटी का अप्रोच है। कम्युनिटी अप्रोच मतलब जो ये काम है इसकी देखभाल कम्युनिटी करेगी, मीन्स पंचायतों में कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, मीन्स समुदाय वो इसकी देखभाल करेगा, किसका, वाटर का। यहां पर समझना जो फंडिंग पैटर्न है वो क्या है, इसमें फंड जो जाएगा मीन्स ये एक तरह से क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित स्कीम है। मीन्स यहां पर 90-10 जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, 50-50 अदर स्टेट्स में, जबकि 100% जाएगा यूनियन टेरिटरीज में। तो यहां पर फंडिंग समझना, एक तरह से 100% जो फंडिंग है वो कहां से नहीं जा रहा है, 100% फंडिंग कहां से नहीं जा रहा है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं जा रहा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें मिलकर काम कर रही है, समझना इसको। यहां पर और क्या है, नेशनल जनजीवन मिशन सेंट्रल लेवल पर काम करेगा, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन ये स्टेट लेवल पर है, एक सेंट्रल लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और एक विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी ये विलेज लेवल पर बनेगी। मींस पूरा सेंटर से लेकर विलेज तक पूरा एक कमेटी बनाई गई है, ताकि इस पूरे स्कीम को अच्छे से लागू किया जा सके पूरा इंडिया में, ताकि 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, उनमें नल का पानी सभी लोगों तक पहुंच सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है 2024 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखोगे। तो आई होप आपके ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा है, एक बार यस कर दीजिए। क्रिस्टल क्लियर अगर आपको हो गया है, कोई कंफ्यूजन है तो सी लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो सी, अदरवाइज अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो डबल सी लिख दीजिए, डबल सी कि आपको। और यहां शर्माना नहीं है, यहां पर शर्माना नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, कंफ्यूजन है, क्रिस्टल क्लियर लिखना जरूरी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। अगर कंफ्यूजन है तो उसको और बेहतर करेंगे आने वाले समय में, यहां पर सेंटर फॉर अर्ली यूज ऑफ HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हमने पहले भी पढ़ा था, इसको कोरोना वायरस के लिए उपयोग किया गया था। तो आपको सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या होती है, यहां पर ये जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो दवा का नाम लिखा हुआ है उसके बारे में सिर्फ इतना सा याद रखना कि इंडिया इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लेगा कि ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए दवा थी, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस के समय दवा जो है न्यूज में काफी रही है, तो हो सकता है कोरोना वायरस को रोकने के लिए हो, इसलिए आप इसको समझना। तो यहां पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो क्या है, एंटी मलेरियल दवा है, ना कि कोरोना वायरस के लिए दवा है। फिर मैं बोल रहा हूं इस स्टेटमेंट को समझना, ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए दवा नहीं है, ये एंटी मलेरियल दवा है, मलेरिया को रोकने के लिए दवा है। थैंक्स टू ऑल, सभी को धन्यवाद जिन्होंने, आप सभी ने रेस्पॉन्स किया, वेरी नाइस। तो यहां समझना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये चल रहा है कॉन्सेप्ट, जो कंट्रोवर्सी का विषय चल रहा है कोरोना वायरस के समय, कभी भी यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगा या किसी और एग्जाम में पूछ लेगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसकी दवा है, आप सीधा सा आंसर दे दोगे COVID-19 या कोरोना वायरस की, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एंटी मलेरियल दवा है।
इसका केवल ट्रायल किया गया था कि क्या इससे कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं पाई गई। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों न्यूज में बार बार आई है, क्योंकि पूरे इंडिया में केवल जो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन है सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया में किया जाता है। और इंडिया ने क्या सोचा था, इंडिया ने पहले सोचा था कि ये कोरोना वायरस का इलाज कर सकती है, तो अपने लोगों को बचाने के लिए इंडिया ने इस पर बैन लगा दिया। और दूसरे देशों ने जैसे अमेरिका ने इसका विरोध किया कि ऐसे संकट की घड़ी में आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर बैन नहीं लगा सकते। कोविड-19 का मेड बनना है, समझ में नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, और तू थोड़ा क्लियर लिखो। नहीं, हाँ बनाना है, यस कोरोना वायरस का मेडिसिन बनाना है। अभी वैक्सीन पर काम चल रहा है। अभी देखो आर्टिकल पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल देखेंगे कि क्या पूरा मामला है। और यहां पर कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, तो यहां पर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर नाइन वर्ल्ड है, वर्ल्ड लेवल की न्यूज क्या क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी जो इक्वलिटी है, जो हमने देखा था कि ब्लैक्स को लेकर कई दिनों से क्या चल रहा है वहां पर, सभी जो वर्ल्ड के मैन देश है वहां पर क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है। जॉर्ज फ्लाइड नाम का एक ब्लैक व्यक्ति को मार दिया गया था पुलिस की हिरासत में, उसी को लेकर पूरे वर्ल्ड में सभी जगह एक पूरा आंदोलन चला हुआ है। उसको बोला गया है ब्लैक लाइव्स मैटर, मीन्स जो काले लोग हैं उनका जीवन भी इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसे ही मत मारो। इस नाम से पूरे वर्ल्ड में एक आंदोलन चला हुआ है। और इस आंदोलन की आग पहले कहां थी, अमेरिका, उसके बाद ये आग गई ब्रिटेन, अब ये कहां चली गई, ऑस्ट्रेलिया, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये फैल रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बना नहीं है अभी तक। अभी जस्ट देखेंगे क्या पूरा मामला है। अब यहां पर फिर देखना, यहां पर कोरोना वायरस का फिर एक गलत, जो हमारे लिए दुख भरी न्यूज है, वो क्या है कि बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग डिस्ट्रिक्ट गोज ऑन हाई अलर्ट आफ्टर इंफेक्शन इमर्ज अगेन। यहां पर 45 केसेज आ गए हैं। कहां पर, बीजिंग में, बीजिंग डिस्ट्रिक्ट पुट इटसेल्फ ऑन वार टाइम फुट। यहां पर अगेन लगभग 50 केसेज, यहां पर अगेन 45 केसेज कोरोना वायरस के आ गए हैं। इसलिए कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हमारे इंडिया में भी तेजी से बढ़ रहा है। और जिन देशों में पहले कमजोर था, उन देशों में भी तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन देश हो, जो इससे कहीं ना कहीं पहले यहां पर इतना इंफेक्शन नहीं था, लेकिन अब यहां तेजी से फैल रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूज थी। उसके अलावा हमारे लिए यहां पर कोई न्यूज नहीं है इस पेज पर जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर टेन ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। यहां पर समझना EACPM, यहां पर EAC ये क्या होता है, PM's इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है पूरा मामला, हमारे लिए और इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने स्टिमुलस पैकेज के बारे में क्या बोला। यहां पर मैं बता दूंगा कि स्टिमुलस पैकेज क्या है और EACPM's इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और यहां पर ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, यहां पर ऐसा कोई न्यूज नहीं है। उसके बाद हम करेंगे साइंस एंड टेक, क्योंकि संडे है तो साइंस एंड टेक के पूरे जो न्यूज है वो आती है। प्लीज माई अगेन रिक्वेस्ट टू मिस्टर सनत मिश्रा जी, आप बार बार मैसेज ना करें। अगर आपको कोई क्लियर चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज कोई मैसेज करें, अननेसेसरी आप मैसेज ना करें। प्लीज बिहेव लाइक यूपीएससी स्टूडेंट। तो यहां पर आप समझना, जो अभी हमने जस्ट देखा पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, यहां पर समझने क्या होती है कि यहां पर क्वेश्चन स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है पीएम एडवाइजरी काउंसिल, इसका अध्यक्ष खुद पीएम नहीं होता है, हमको लगेगा कि पीएम होगा। ये एक कुछ सदस्यों की एक क्या होती है,
काउंसिल होती है, और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं, इसके चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में? इसके चेयरमैन है विवेक देबरॉय सर। तो कौन है? विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय जो है वो इसके क्या है अभी प्रेजेंट में? अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर यहां से क्वेश्चन यही बना देगा कि पीएम एडवाइजरी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। हमको लगेगा यस, अगर पीएम एडवाइजरी काउंसिल है तो पीएम के अलावा कौन हो सकता है? सो अध्यक्ष पीएम नहीं होता, फर्स्ट। दूसरा, विवेक देव और राय जो सर हैं, जो नीति आयोग के सदस्य भी हैं, वो इसके क्या है? चेयरमैन। अब ये जो पीएम एडवाइजरी काउंसिल है इसके बारे में और देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जैसे हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या फिर जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। तो कई बार काउंसिल लगता है तो हमको लगता है या तो सांविधिक संस्था होगी, या तो स्टेटरी बॉडी होगी, या फिर स्टेटरी बॉडी होगी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो, तो पीएम एडवाइजरी काउंसिल, पीएम एडवाइजरी काउंसिल, पीएम एडवाइजरी काउंसिल ये क्या है इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। पीएम एडवाइजरी काउंसिल यहां पर ना तो ये स्टेटरी बॉडी है, ना तो ये स्टेटरी बॉडी है, मींस ना तो ये सांविधिक संस्था है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो ये संवैधानिक संस्था है, ना ही ये सांविधिक संस्था, मींस ना इसे किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्ट होता है, जो सामान्य एक्ट रहता है, उसके द्वारा भी इसे नहीं बनाया गया, ना ही इसे संविधान निर्माण के समय बनाया गया था, ना ही इसे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये परमानेंट 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 बॉडी है। तो ये क्या है? एक एडहॉक, मींस कभी भी इसको हटाया जा सकता है, कभी भी इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये समझना। तो यहां पर आप समझना कि ये क्या है, ये समझना कि पीएम एडवाइजरी काउंसिल ये क्या है, एक स्टेटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडहॉक बॉडी है, सॉरी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेटरी बॉडी है, ये एक एडहॉक मींस अस्थाई बॉडी है, और ये परमानेंट भी नहीं है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? पीएमईएसी का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, ये प्राइम मिनिस्टर को क्या करती है? जो पीएम है या पीएमओ, स्पेशली हम पीएम कह सकते हैं उसको, जितने भी इकोनॉमिक मुद्दे हैं कि आपका जीडीपी का ग्रोथ कम हो रहा है तो क्या किया जाए, अगर आप में यहां इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाया जाए, तो इन सभी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करती है? सलाह देने का काम करती है, सलाह। और ये सलाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बाध्यकारी नहीं है, मींस ये केवल सलाह क्या, रिकमेंडेशन है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो ये समझना, ये बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप समझना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने वो देखा था कि इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या रहता है, इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या रहता है, स्टिमुलस। डियर फ्रेंड्स, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जारी किया था। इकोनॉमिक स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? जब हमारा इकोनॉमी का कंडीशन बुरा हो और उस इकोनॉमी को हमको बढ़ाना हो, मीन्स हमारा जीडीपी क्या हो रहा हो, तेजी से गिर रहा हो, हमको जीडीपी को क्या है, बढ़ाना है, तभी तो हमारी ग्रोथ होगी। और इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसे उपाय करने रहते हैं, उसी को हम को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टिमुलस। तो ये थोड़ा सा समझना कि ये पूरा मामला क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमेशा संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा मामला आता है, लेकिन यहां पर देखना, हमने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन, यहां पर समझना कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे हम कि क्या है पूरा मामला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का। यहां पर जो दवा थी हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन,
यहां पर समझना क्या कहा गया कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन डज नॉट रिड्यूस मोर्टेलिटी रिकवरी ट्रायल फाइंड्स, मीन्स हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन जो एंटी मलेरियन हमने दवा यूज की थी कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए, उसके कारण ना तो मोर्टिलिटी मीन्स जो लोग मरे हैं उनकी संख्या में कमी आई है, ना ही रिकवरी हुई है, ना ही वो स्वस्थ हुए हैं, ना तो मरने वालों की संख्या में कमी आई है, ना ही रिकवरी आई है, ट्रायल्स में ऐसा फाइंड हुआ है। तो बस हमको क्या याद रखना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। यहां पर देखना परसिस्टेंट ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया, यहां पर याद रखना फ्रॉम इंडिया। तो यहां पर यह कहा गया कि जो ग्लोबल ट्रांसमिशन हो रहा है चिकनगुनिया का वो लगातार जारी है, कहां से? इंडिया से। और हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, हमें जो इंपॉर्टेंट यहां याद रखना है वो क्या है, वो क्या है कि चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया ये एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है चिकनगुनिया। और कौन सा इसके लिए मच्छर जो है, एक मच्छर जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है, और मच्छर कौन सा है? एडीज मच्छर। तो ये जो मच्छर है वो कौन सा है? एडीज। और चिकनगुनिया जो होता है वो वायरस के कारण होता है। तो ये दोनों आप याद रखना, एडीज मॉस्किटो एंड चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है। ये यूपीएससी में कई बार पूछे हुए हैं डायरेक्टली स्टेटमेंट, वायरस से संबंधित क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी की फर्स्ट चॉइस रही है। वायरस से संबंधित कोई भी डिजीज हो, यूपीएससी ने हमेशा के लिए वहां से क्वेश्चन पूछा है। आप पिछले एग्जाम्स में जाकर देखोगे यूपीएससी में 2010 से लेकर 2019 तक वायरस से कम 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन वायरस से। वायरस हमेशा फर्स्ट चॉइस रही है यूपीएससी की, क्योंकि बड़ी से बड़ी मेजर प्रॉब्लम वायरसेस के कारण चल रही है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने देखा। आगे हम चलते हैं साइंस एंड टेक का जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट, वो है यहां पर आईआईटी मद्रास स्टडी रिवील्स मेटाबॉलिज्म ऑफ की गट माइक्रोबैक्टीरियम। कोई काम का नहीं है, नो नीड टू रीड। साइंटिस्ट फाइंड एंशियंट मैमल स्टेपिंग स्टोन, कोई काम का नहीं है, आपके कभी काम नहीं आएगा, तो इनको छोड़ रहे हैं। नो हर्ड साइंटिफिक एविडेंस शोविंग देयर ए लेस वायरुलेंट स्ट्रेन्स, यहां पर कोई काम का नहीं है, छोड़ देना। अब यहां देखते हैं, जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या कोरोना वायरस की डिजीज जो थी उसका वैक्सीन आ गया, तो यहां देखना कैन ये वैक्सीन, यहां पर सीधा लिखा हुआ है कैन ए COVID-19 वैक्सीन बी डेवलप्ड सून, क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्दी ही डेवलप कर ली जाएगी? तो यहां पर अभी चांसेज हैं कि व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, व्हाट इज द सिचुएशन एज फार एज वैक्सीन कैंडिडेट्स आर कंसर्न। तो यहां सीधा लिखा हुआ है कि कितना टाइम इस वैक्सीन को बनने में लगेगा, क्या कितना टाइम लगेगा, क्या इसका स्टेटस है, हमें यह सब जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है, माई डियर फ्रेंड्स, इतना ही आपको याद रखना है। जिस दिन बन जाएगी तो किस देश ने बनाया, कैसे बनाया, उसका क्या स्टेटस है, ये सभी बाद में हम पढ़ेंगे जब ये बनकर आ जाएगी। अभी ट्रायल फेज में है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर WHO ऑन दी वायरस, WHO कोरोना वायरस के बारे में क्या क्या कह रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहीं भी इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है हमारे लिए आज। यहां पर FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, यहां पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। यहां पर फिर अगेन एक हाइपोथेसिस दी गई है, हाइपोथेसिस यहां आई है कि व्हाट मस्ट स्कूल डू बिफोर रीओपनिंग, स्कूलों को क्या करना चाहिए क्लासेज खोलने से पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट, फिटिंग करने के लिए आप दूर दूर रखो, पीने का पानी का क्या करोगे, लोगों के मिलने का क्या करोगे, उनके लिए गाइडलाइन जारी करोगे कि बच्चों को कैसे रहना है। तो ये सभी जो हम अभी अपना रहे हैं, मास्क के लिए आप काम करोगे कि सभी के पास मास्क होने चाहिए, और डेली आपके पास टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर होना चाहिए कि आप टेम्परेचर माप सको, बच्चों का टेम्परेचर आ रहा है। तो ये सभी सुविधाएं जो एक सिंपल सा है, इनका काम है आर्टिकल्स लिखना, ऐसा नहीं कि सभी आर्टिकल्स को पढ़ें। तो व्हाट मस्ट स्कूल्स डू बिफोर रीओपनिंग, तो ये सभी आप नॉर्मल से बता सकते हो एज ए यूपीएससी। आप अगर कलेक्टर रहो, आपके जिले में अगर स्कूल्स को खोलना है कोरोना वायरस के समय, तो आप क्या क्या प्रावधान करोगे, बस वहां से आपको थिंकिंग डेवलप करनी है।
पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, इस पर हम डिस्कशन करने से पहले मैं आपके मैसेज पढ़ लेता हूं कि आप क्या क्या कह रहे हो। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, तो यहां पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर चलते हैं आगे। इंडिया चाइना द लाइन ऑफ एक्चुअल कंटेस्ट, तो यहां पर इंडिया एंड चाइना का अगेन जो पूरा मामला है, ये पूरा मैप यहां पर आया है माय डियर फ्रेंड्स। इस मैप को मैं जूम करके आपको दिखाता हूं कि देखिए, हम लोगों ने लगातार जो 6-7 दिन, लगभग 15 दिन से जो मैप हम देख रहे थे, आज अगेन वो मैप आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखना, ये पूरा हमारा लद्दाख का पार्ट था, लद्दाख का पार्ट, और ये पीओके है, ये पीओके, ये अक्साई चीन, ये अक्साई चीन, जहां पर ये क्या है एलएसी, और यहां पर गलवान वैली जहां पर हम पहले बहुत दिनों से देख रहे थे, यहां पर हॉट स्प्रिंग जहां पर प्रॉब्लम चल रही थी, और पेंगोंग लेक। तीनों सेम आपको समझ में आ रहा होगा आज कि सही में अक्साई चीन यहां पर है जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहां गलवान वैली, यहां पर हॉट स्प्रिंग, और यहां पेंगोंग लेक। आज द हिंदू में सीधा ये मैप दिया है, जबकि हम लगातार पहले से इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां से हमने पहले भी डिस्कशन किया था, तो ये क्या हो गया टॉपिक हमारे लिए, अब क्या हो गया क्लियर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो यहां इंपॉर्टेंट है, वो केवल एक बात है, आप याद रखना, एक, यहां पर पूरी राम कहानी लिखी हुई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो मैन बॉर्डर एग्रीमेंट किया है किसके साथ, चाइना के साथ, इसको आप याद रखोगे कि हमने चाइना के साथ लैंडमार्क बॉर्डर पीस एंड यहां पर ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जो बीपीटीए, ये हमने द फर्स्ट लीगल एग्रीमेंट दैट रिकॉग्नाइज्ड द एलएसी, दे अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ रेफरिंग टू एलएसी एट द टाइम। मींस हमने जो पहला बॉर्डर एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, सबसे अच्छा वो था 1993 में। किसके लिए हमने इसलिए किया था कि जो एलएसी है वहां पर शांति बरकरार रखी जा सके, उसी के लिए हमने ये कहा था। तो यहां पर अभी भी एलएसी को लेकर, अभी भी एलएसी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। यहां पर मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन लाइन है, उसका भी जिक्र किया गया है। तो ये पूरी मामला क्या है, इसको हम डायरेक्टली हम इस किससे समझेंगे, स्लाइड से। और आगे यहां पर पूरा जो पेज नंबर 15 है, ये पूरा क्या है, गेम से संबंधित है, तो उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां पर पूरा मामला देखते हैं, अब चाइना का पूरा मामला देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर समझना चाइना का पूरा मामला। ये हमने देखा था कि यहां पर उत्तराखंड है, यहां पर हिमाचल, लद्दाख, और लद्दाख वाले इलाके में एंड सिक्किम वाले इलाके में प्रॉब्लम चल रही है। ये पूरा डायग्रामेटिक हमने पहले भी देखा था कि कहां पर पीओके है, कहां पर सियाचिन ग्लेशियर है जो इंडिया का पार्ट है, अक्साई चीन ये चाइना के द्वारा 1960s में छीन लिया गया था, और यहां पर गलवान वैली, यहां पर हॉट स्प्रिंग, और यहां पर पेंगोंग लेक, तीनों जगह क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना से मिलती है, और ये जो पाकिस्तान के साथ हमारी लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको बताया था मैंने पहले के लेक्चर्स में। अगेन यहां पर जो द हिंदू में आ जाया है, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग लेक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर समझना चाइना का क्या प्रॉब्लम है, कहां कहां पर हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कहां कहां पर। तो यहां पर कश्मीर का ये जो इलाका है, ये पाकिस्तान के द्वारा, ये जो इलाका है पाकिस्तान ने कश्मीर का जो कुछ इलाका था वो चाइना को दे दिया। यहां पर जो ये एरिया है, ये हमारा क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। ये अक्साई चीन वाला इलाका जो चाइना ने छीन लिया था 1962 में, ये एरिया और बाकी जो एरिया है एलएसी, ये अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां पर है मैकमोहन लाइन, जो आर्टिकल में कहा गया कि मैकमोहन लाइन कहां है, तो वो है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत की जो बाउंड्री है, जो चाइना का तिब्बत वाला एरिया और हमारा अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का जो पार्ट है, वहां पर ये जो लाइन है मैकमोहन लाइन, और इस लाइन को मानने से इनकार करता है चाइना। चाइना कहता है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मेरे जो साउथ तिब्बत है, जो तिब्बत है उसका साउथ वाला पार्ट है। तो यहां पर मैकमोहन लाइन पर भी प्रॉब्लम है, यहां पर अक्साई चीन को लेकर, और यहां पर एलएसी को लेकर, और यहां पर सिक्किम में नाकुला रीजन, इन सभी को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट है किसके साथ, चाइना के साथ।
तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहीं पर बताया गया है कि हमने 1993 में एक जो मेजर था, जो मेन बॉर्डर एक एग्रीमेंट था, वो चाइना के साथ किया था, लेकिन उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिली है। कहां पर? बॉर्डर पर। अभी भी जो एरिया है डिस्प्यूट के एरिया चल रहे हैं कहीं पर भी हो। एक जो यहां पर बात की गई थी जो आपको याद होना चाहिए कि यहां पर समझोगे तो एलओसी कहां बोल रहे हैं हम, जो पाकिस्तान से हमारी बाउंड्री लग रही है एलओसी, जो चाइना से हमारी लग रही है उसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो पूर्वोत्तर भारत का तिब्बत से लग रही है इसको मैकमोन लाइन बोल रहे हैं। जो हमारी लाइन कुछ मात्रा में यहां पर जो अफगानिस्तान से लगती थी पहले, जो हमारी अफगानिस्तान से जो कुछ मात्रा में लगती थी और अभी भी लगती है थोड़ी सी, लेकिन अभी पीओके में से लगती है, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूरंड लाइन। और एक जो लाइन है रेड क्लिफ, ये कभी भी पूछा जा सकता है, रेड क्लिफ जो हमारे पाकिस्तान था यहां पर क्यों नहीं, क्योंकि ये तो हमारा पीओके वाला पार्ट स्वयं इंडिया का है। तो रेड क्लिफ लाइन यहां पर जो पाकिस्तान से हमारी लाइन लगी हुई है इसको रेड क्लिफ, और रेड क्लिफ साहब थे जिन्होंने लाइन खींची थी, और ये जो बांग्लादेश के चारों तरफ था वो भी किसी टाइम पाकिस्तान का भाग था, तो ये भी रेड क्लिफ लाइन। तो ये सभी लाइन्स है, ड्यूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोन लाइन, एलएसी, एलओसी कहां कहां पर है, गलान वैली कहां पर है, उसके बाद हॉट स्प्रिंग कहां है, पेंगोंग लेक कहां है, वो सभी बातें हमने वहां से सब पढ़ी है। वो सभी हमने पढ़ी है। तो ये सभी बातें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हम सभी ने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सभी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद जो डोकलाम था उसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि क्या पूरा मामला है, चाइनीज यहां पर भी नाकुला रीजन में क्या कर रखे हैं, स्टैंड ऑफ। ये सभी मैप जो हमने पहले डिस्कशन किया था आज द हिंदू में, इस मैप का जैसा मैप यहां पर आज प्रकाशित हुआ है ये वाला, तो पहले ही हमने इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया था, तो आज आपको अच्छे से क्लियरली हो गया होगा कि पूरा मामला क्या है। अभी इंडिया एंड चाइना के बीच में मिलिट्री लेवल की टॉक चल रही है, और हमने पहले भी देखा था कि इंडिया ने जो क्वाइट डिप्लोमेसी है, क्वाइट डिप्लोमेसी उसको अपना रखा है। क्वाइट डिप्लोमेसी मींस शांत रहकर, इसमें क्या होता है कि किसी टाइप का मीडिया या फिर देश के अंदर कोई राजनीतिक ऐसा बयानबाजी ना करे, साथ में सेना को आगे कर दो। सेना को भी कैसे कि जो एक्टिविटी चाइनीज आर्मी कर रही है उतनी एक्टिविटी आर्मी कौन सी करे, इंडिया की, बस इसको बोलते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी। तो इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स जो आज हमने 14 जून 2020 द हिंदू का डिस्कशन किया है। तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनमें हमने इंडिया एंड चाइना का क्या प्रॉब्लम चल रहा है इसके बारे में पूरा, कि यहां पर जो रेड क्लिफ लाइन कहां है, ड्यूरंड लाइन कौन सी है, मैकमोन लाइन कौन सी है, एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये मैप था जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि गलवान घाटी कहां है, हॉट स्प्रिंग कहां है, पेंगोंग लेक कहां है, और दौलत बेग ओल्डी यहां पर है, दौलत बेग ओल्डी, और यहां से एलओसी के पास होते हुए, मिस एलएसी के पास होते हुए हमने लेह तक क्या बनाई, सड़क बनाई है, इससे भी चाइना चिढ़ा हुआ है। तो दौलत बेग ओल्डी जो किसी ने पूछा था ये था। अगेन यहां पर पूरा हमने देखा कि अक्साई चीन कहां है, गिलगित बाल्टिस्तान ग्लेशियर जो सियाचिन ग्लेशियर है ये यहां पर इंडिया पूरा गश्त करता है, ये हमारा पार्ट है, तो ये समझना इंडिया। उसके बाद हमने क्या देखा, यहां पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है पीएम की, उसके बारे में देखा कि ना तो ये सांविधिक संस्था है, ना संवैधानिक संस्था है, ना ही ये परमानेंट बॉडी है, ये एक एडहॉक मिस अस्थाई संस्था है, ये संस्था है, यहां संस्था है। जल जीवन मिशन, इसके बारे में हमें पढ़ा कि 2024 तक सभी जो रूरल हाउस होल्ड है उन तक जल पहुंचाना है। जंगल में आग क्यों बढ़ रही है, इसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है, एक इनोवेटिव अप्रोच। आप पूरे YouTube पर अगर छान मारोगे कि ऐसा कोई कोरिलेशन है तो आप कल मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं भी उस वीडियो को देखूंगा। तो ये इनोवेटिव वे है जिसके द्वारा मैंने इसको कोरिलेट किया है। एनजीटी, इसके बारे में हमने पढ़ा। लिम्पियादुरा, ये जो हमारा पहला टॉपिक था कि कैसे जो नेपाल है, नेपाल वो यहां पर कटप्पा बनकर कैसे बाहुबली के पीछे से छुरा घोंपने का काम कर रहा है, नेपाल कैसे मैप को जारी कर रहा है, ये सभी, इस मैप को हमने पहले भी देखा था और आज यही मैप आज द हिंदू में फिर से प्रकाशित हुआ है। तो आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आप सभी के क्लियर हो गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स।
सभी को क्लियर हो गए होंगे, तो आप सभी को क्लियर हो गए हैं तो एक बार यस यस कर दीजिए, यस यस कर दीजिए फास्टली, ताकि हम फिर सेशन को एंड करें। जल्दी से फास्ट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, कि सर समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया है। अगर आप सभी के समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से कर दीजिए, यस सर कर दीजिए। ओके जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स, अपने माइंड को खराब ना करें। माय काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, चैट में अननेसेसरी दूसरों के साथ ना उलझे, अपना काम करते रहें, पढ़ते रहें। अगर आपको चैट से प्रॉब्लम होती है तो अपना कोई भी मैसेज लिखें, बाद में चैट को बंद कर। और आपका कंसंट्रेशन कहां रहना चाहिए, पढ़ने पर। ओके आशुतोष जी, सनत मिश्रा जी, यस पल्लवी राज जी, राजपूत खाजल, यस इमरान सर, सभी को समझ में आ गया, वेरी नाइस। अननेसेसरी की टेंशन में ना पड़े, अपना मस्त रहकर हंस खुश रहकर पढ़ाई करें। डोंट वरी, जो चैट कर रहा है चलने दो, अपना चैट को बंद कर लो और अपना ध्यान कहां लगाओ, पढ़ाई में बिल्कुल मस्त रहो, किसी के टेंशन में आना ही नहीं है। अपने माइंड का कूल रखो, अगर दूसरों के कारण हमारी माइंड की शांति जा रही है, इट मींस हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। इसलिए हमें उस टाइप से काम करना है कि हमारा माइंड का जो एनवायरमेंट है, पीसफुल एनवायरमेंट, उससे कोई भी चाकर खराब ना कर पाए, चाहे वो कोई हो। इसलिए हमारा माइंड का जो पीस है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, किसी दूसरे के हाथों में नहीं। और जिसके हाथ में अपने माइंड का पीस आ गया, अपना माइंड का कंट्रोल आ गया, दूसरों के आइडियाज से उतना जल्दी से इफेक्ट नहीं होता है, दूसरे की गलत बातों से उतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता आपका माइंड, तो आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो ये सभी बातें आप हमेशा याद रखें। तो इसी के साथ आज हमारा जो लेक्चर था उसको एंड करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अर्पिता मंडल जी, सभी को थैंक यू वेरी मच। राजपूत काजल जी, थैंक यू वेरी मच। एंड सनत मिश्रा जी, आपको भी थैंक यू, बट आगे से आप ऐसी एक्टिविटीज ना करें माय डियर फ्रेंड। देवेंद्र तिवारी जी, यस थैंक यू। तो थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स फॉर टुडेज लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।